अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल आर यू फाइन। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि इफ़ A, B, C, D, N, B, X, Y और Z फाइंड। ठीक है, हमें फाइंड करना है। ठीक, अब उसका जो पहला वाला जो सवाल है वो ये है कि A मल्टीप्लाई बाय B, हमें A मल्टीप्लाई बाय B फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम A मल्टीप्लाई बाय B। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, अच्छा हमने सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज़ को लिखा है यहाँ पर, ए बी सी डी, और बी की वैल्यू हमारे पास है वाई जेड। ठीक, तो हमें ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है, तो ए बी सी डी बस बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन और वाई जेड। ठीक, क्या करना है हमें इसमें, मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो उम्मीद है कि आप सबने वो लेक्चर मेरा जब वो वाली मेरी वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो मैं करती हूँ इसको सॉल्व। तो सबसे पहले ए को वाई से करूँगी, फिर ए को जेड से करूँगी, फिर बी को वाई से करूँगी, फिर B को Z से करूँगी, फिर C को Y से करूँगी, C को Z से, D को Y से और D को Z से। तो ये कितने हो गए? 4। और ये कितने हैं? 2। तो 4 2 8, टोटल 8 हमारे पास होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास निकल आया A मल्टीप्लाई बाय B। सो अब दूसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है कि हमें B मल्टीप्लाई बाय A सॉल्व करना है। तो मैंने B के एलिमेंट्स और A के एलिमेंट्स उतार दिए हैं, B में Y Z मल्टीप्लाई का साइन और A की एलिमेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे B मल्टीप्लाई बाय A को, तो Y को A से, फिर Y को B से, फिर y को c से, फिर y को d से, फिर z को a से, फिर z को b से, फिर z को c से, देन z को d से। तो ये कितने हैं? 2 2 4 8। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। इज़ डैट क्लियर? अच्छे से आपको ये दोनों सवाल समझ आ गए होंगे मेरे। अब चौथे सवाल में क्या है, हमें A मल्टीप्लाई बाय A ही करना है। तो A मल्टीप्लाई बाय A के लिए हमने A के एलिमेंट्स को लिखा A B C D, तो A मल्टीप्लाई बाय A, A B C D मल्टीप्लाई बाय अगेन, क्योंकि A ही से करना है हमें मल्टीप्लाई, A B C D। अब A मल्टीप्लाई बाय A, सबसे पहले A को A से, फिर A को B से, A को A से, A को B से, A को C से और A को D से। फिर अब B की बारी आई, B को A से, B को B से, B को C से, B को D से, फिर C, C को A से, C को B से, C को C से और C को D से, फिर D की, D को A से, D को B से, D को C से और D को D से। ये एलिमेंट्स कितने हैं? 4। ये एलिमेंट्स कितने हैं? 4 4 4 16, टोटल 16 होने चाहिए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारा हुआ आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इसका है वो ये है कि हमें B मल्टीप्लाई बाय B करना है। तो ये आप लोगों के पास होमवर्क है, ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। इज़ डैट क्लियर?
तो गाइस अब मैं क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन नंबर टू जो हमारे पास है वो ये है कि सपोज द ऑर्डर पेयर, हमें सपोज करना है ऑर्डर पेयर एक्स, पहला जो एलिमेंट है हमारे पास है एक्स प्लस वाई टू, और जो दूसरा एलिमेंट है हमारे पास वो है वो फोर और एक्स माइनस वाई, और हमारे पास जो दोनों हैं वो हैं इक्वल। तो हमें क्या मालूम करना है एक्स और वाई। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल ली है। अब हमारे पास जो पहला पेयर है वो है एक्स प्लस वाई टू फोर एक्स माइनस वाई। उम्मीद है कि आप सबको मेरी राइटिंग अच्छे से समझ आ रही होगी। तो आई नो कि मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ राइटिंग को अवॉइड कीजिएगा। तो हमने ये जो हमारे जो दोनों एलिमेंट्स हैं हमें उसको ऑर्डर पेयर में करना है। तो आपने ऑर्डर पेयर वाला मेरा टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा, मेरा ऑर्डर पेयर वाला लेक्चर अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो हम एक्स प्लस वाई जो बराबर होगा फोर के, और जो टू बराबर होगा एक्स माइनस वाई के। ठीक, अब हम सबसे पहले करेंगे एडिंग, यानी कि ऐड करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने एक्स प्लस वाई को लिखा किसके बराबर हुआ, फोर के, और एक्स माइनस वाई बराबर हुआ टू के। अब हमें उसको करना है ऐड। ठीक, तो प्लस 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 टू एक्स, प्लस माइनस माइनस तो वाई वाई से कट गया, इजिकल्स टू फोर और टू सिक्स। ठीक, अब ये जो मैंने ये वाला जो स्टेप किया है ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, 7, 8, 6, 7, 8 क्लासेस में ये चीज़ें अच्छे से समझाई जाती हैं। उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें अच्छे से कवर की होगी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने एडिंग कर ली है, अब मुझे सबसे पहले एक्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, एक्स इजिकल्स टू सिक्स, और ये जो टू है वो डिवाइड के लिए सिक्स के नीचे लेकर आ जाऊंगी। ठीक, तो टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई, थ्री। ठीक, मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन वन बोल दिया और इस वैल्यू को इक्वेशन टू बोल दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगी, ये जो एक्स इजिकल टू थ्री है ये थ्री एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूंगी। तो मैं ये लिखूंगी, पुट द एक्स वैल्यू इक्वेशन वन। ठीक, अब एक्स प्लस वाई इजिकल टू फोर, एक्स की वैल्यू कितनी हुई थ्री, प्लस वाई इजिकल्स टू फोर, अब थ्री फोर के पास चले जाएगा तो ये प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। तो वाई इजिकल्स टू फोर माइनस थ्री, वाई इजिकल्स टू फोर में से थ्री गए तो वन। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू वन आ चुकी है। तो ये हमारा हुआ आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर टू अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना क्वेश्चन नंबर थ्री। सो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो ये है कि हमें लेट ए की वैल्यू दी हुई है ए बी, बी की वैल्यू दी है टू थ्री, और सी की वैल्यू दी है थ्री फोर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बी यूनियन सी मालूम करना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं सॉल्यूशन की सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली और अगेन क्वेश्चन लिखा। अब सबसे पहले जो इसमें हमें हमने सॉल्व करना है वो बी यूनियन सी सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हम बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे। बी की वैल्यूज हमारे पास कितनी है, टू थ्री यूनियन, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, थ्री और फोर। ठीक,
अब हमें क्या मालूम करना है, यूनियन। तो आपको अच्छे से पता है कि हम यूनियन में क्या करते हैं, तो हम लाइन वाइज इसको उतार देंगे। ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी। ठीक, अब हम बी यूनियन सी सॉल्व कर लिया। अब हमें ए को बी यूनियन सी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। तो हमारे पास जो ए की वैल्यूज़ है वो क्या हैं, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास इसका आंसर आया वो ये है 2, 3, 4। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले ए को 2 से करेंगे, फिर ए को 3 से करेंगे, फिर ए को 4 से करेंगे, फिर बी को 2 से करेंगे, बी को 3 से करेंगे, बी को 4 से करेंगे। तो ये 2 है और ये 3 है, तो 2, 3 जा 6, तो हमारे पास 6 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे पास हुआ आंसर। होप कि आपको अच्छे से ये वाला सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, इसका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है। अब मैं इसका आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। तो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए मल्टीप्लाई बी को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की पहले हमने हेडिंग डाली, अगेन सवाल लिखा। तो सबसे पहले मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी को करूंगी। ए की वैल्यू हमारे पास है ए बी, और बी की वैल्यू हमारे पास है 2 और 3। तो ए को पहले 2 से करेंगे, फिर ए को 3 से करेंगे, फिर बी को 2 से करेंगे और बी को 3 से। ठीक, ये हमारे पास निकल आया ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब हम निकालेंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ए मल्टीप्लाई बाय सी के लिए पहले ए की वैल्यूज़ को उतारेंगे, ए और बी, और फिर सी की वैल्यूज़ को उतारेंगे 3, 4। तो सबसे पहले हमने ए को 3 से किया, फिर ए को 4 से किया, फिर बी को 3 से किया, फिर बी को 4 से किया। ठीक, ये हमारे पर निकल गया ए और सी। अब हमें जो सॉल्व करना है वो करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो जो हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी का जो आंसर आया उसकी वैल्यूज को लिखेंगे, और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यूज को लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, हम ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो जो ए मल्टीप्लाई बी का जो आंसर आया था वो हमारे पास ये आया था, ए 2 ए 3 बी 2 और बी 3। ठीक, अब हमने बीच में यूनियन डाला। अब हम ए और सी की वैल्यूज़ को लिखेंगे, जो ये है, कौन कौन सी है, ए 3 ए 4 बी 3 और बी 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन में गाइस आपको अच्छे से पता है हम क्या करते हैं। तो जो लाइन वाइज करना है लेकिन जो सेम है उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो पहले ए 2 को लिखेंगे, फिर ए 3 को लिखेंगे, फिर बी 2 को लिखेंगे, फिर बी 3 को लिखेंगे, फिर बी 4 को लिखेगा। ये हमारा हुआ आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से मेरा ये सवाल क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 1 और 2 आपको कवर करवा दिए हैं। अब जो इसका 3 और 4 है वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद कीजिएगा।
अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह होगा। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ax ब्रैकेट b माइनस c, ठीक। अब ये जो इसमें b माइनस c है, ये इसका भी टॉपिक मैंने आपको अच्छे से वीडियो में कवर करवा दिया था। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको सॉल्व करना। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और अगेन क्वेश्चन लिखा a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। तो सबसे पहले हम b माइनस c को सॉल्व करेंगे। b की वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 2, 3। माइनस c की वैल्यू कितनी है, 3, 4, ठीक। अब हम माइनस में क्या करते हैं कि जो सेम नंबर होते हैं उसको कट कर देते हैं। और मैंने आपको बताया था माइनस की वैल्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट में जो नंबर बच जाते हैं वो लिखते हैं, तो हमारे पास 2 बचा, ठीक। अब हमें क्या मालूम करना है, b माइनस c मालूम कर लिया, a मल्टीप्लाई मालूम करना है, ठीक। तो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c, a की वैल्यूज़ हमारे पास है a, b और b माइनस c की वैल्यू है 2, ठीक। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a को 2 से करेंगे फिर b को 2 से करेंगे, तो ये हमारे पास हुआ आंसर। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने 1 पार्ट कर लिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 कवर करवाऊंगी। सो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने a माइनस b मल्टीप्लाई बाय b माइनस c करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल लिखा अगेन। तो सबसे पहले हमने a माइनस b को सॉल्व किया, 1, 2, 3, 4 माइनस b को सॉल्व किया, 2, 4, 5, 6। तो जो अब सेम है हम उसको कट करेंगे, 2 और 4, और जो फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स बच चुके हैं वो लिख देंगे। तो हमारे पास a माइनस b निकल चुका है। अब हम b माइनस c निकालेंगे, तो b की वैल्यूज़ को लिखेंगे 2, 4, 5, 6 और c की वैल्यू को लिखेंगे 2, 3, 6, 8। तो b माइनस c, 2 को काटा, 6 को कट किया, सेम है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट में क्या बचा, 4 और 5, ठीक। अब हमें a माइनस b मल्टीप्लाई बाय b माइनस c सॉल्व करना है। तो a माइनस b का क्या आंसर हुआ हमारे पास, a माइनस b का जो हमारा आंसर हुआ वो 1, 3 मल्टीप्लाई बाय b माइनस c की जो वैल्यूज़ होगी हमारे पास क्या होगी, 4 और 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 को 4 से करेंगे, फिर 1 को 5 से करेंगे, फिर 3 को 4 से करेंगे और 3 को 5 से करेंगे। ये हुआ हमारा आंसर। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने आपको 1 पार्ट करवा दिया है। अब इसके जो और पार्ट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग खुद करिएगा। एक्चुअली एक्सरसाइज 1.3 थोड़ी सी लेंथी है, तो मैं इसको दो वीडियोस के इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर मैं इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 12 तक या 13 तक इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह ताला मिलूँगी अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।